मैं शंकर सिंह जो एक नए माननीय सदस्य श्री शिव प्रकाश रंजन जी CPIML दल से निर्वाचित हुए हैं। इस सप्तदश बिहार विधानसभा के निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने उनके नाम के सामने अंकित तिथि से सदन से अपने स्थान का त्याग कर दिया। सप्तदश बिहार विधानसभा के इस द्वादश सत्र में आप सबों का स्वागत है। माननीय सदस्यगण, आज से पवित्र सावन मास का शुभारंभ होने जा रहा है। इसे भगवान शंकर की विशेष भक्ति और कृपा से जुड़ा माह भी मानते हैं। शंकर शब्द का शाब्दिक अर्थ है कल्याण, और भगवान शंकर प्रकृति से जगत का कल्याण करने वाले हैं। महादेव आप सबों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। मैं इस पवित्र सावन माह के लिए आप सभी माननीय सदस्यों के साथ संपूर्ण बिहारवासियों को सदन की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। वर्तमान सत्र में कुल 5 बैठकें निर्धारित है। इसमें प्रश्न, कृपया शांत रहिए, इसमें प्रश्न एवं लोक महत्व की सूचनाओं के साथ साथ वित्तीय वर्ष 24-25 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का व्यवस्थापन होगा। राजकीय विधेयक भी लिए जाएंगे तथा गैर सरकारी संकल्प सूचना भी निपटाए जाएंगे। 5 कार्य दिवसों का यह सत्र अपने आकार में भले ही छोटा है, लेकिन इसमें आम जन और राजहित से जुड़े कई मुद्दों का निपटारा होगा। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र विचार विमर्श, समझाने बुझाने एवं समझौते पर भरोसा करता है। संसदीय व्यवस्था में वाद विवाद पर जोर केवल इसलिए नहीं दिया जाता है कि नीति के अधिकांश सवालों पर दृष्टिकोण और हितों में मतभेद रहता है, बल्कि इसलिए भी कि मतभेदों की अभिव्यक्ति और उसका सुना जाना लोकतंत्र का अनिवार्य अंग है। संसदीय प्रणाली विविधता और नागरिकों के बीच समानता को आधारभूत तत्व मानकर चलता है और मतभेदों को विचार विमर्श से दूर किया जाता है, क्योंकि किसी विषय पर सहमति प्राप्त करने का ही सबसे अच्छा उपाय है। अतः आप सबों से अनुरोध है, इस छोटे से सत्र में सदन के समय का भरपूर सदुपयोग करें और सार्थक विमर्श में भाग लें। मुझे पूर्ण विश्वास है सत्र संचालन में मुझे आप सबों का पूर्ण सहयोग मिलता रहेगा। माननीय सदस्यगण, अब शपथ की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। सभा सचिव महामहिम राज्यपाल बिहार से प्राप्त संदेश को मैं पढ़ती हूँ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव को वो व्यक्ति नियुक्त करता हूँ जिसके समक्ष बिहार विधानसभा उप निर्वाचन 2024 में बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 60 रुपौली से निर्वाचित सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर राज्यपाल बिहार पटना, दिनांक 16/7/2024। माननीय सदस्य, शपथ की प्रति आपके सामने, जब आप पुकारे जाएं तब आपको उसे पढ़ना है। सामने मेज पर एक रजिस्टर है, उसमें आपको हस्ताक्षर करना है। अब सभा सचिव नाम पुकारेंगे। सचिव क्षेत्र संख्या 60 रुपौली श्री शंकर सिंह। शंकर जी पढ़िए, आपके पास है ना। पढ़िए। मैं शंकर सिंह जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। आगे यहाँ दस्तखत कर लीजिए।
माननीय सदस्यगण, अब शपथ की कार्यवाही समाप्त की जाती है। बैठ जाइए शंकर जी। माननीय सदस्यगण, आप सबों को एक और जानकारी देना चाहता हूं कि बिहार विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 195 अज्ञाओं अनुसूचित जाति से उप निर्वाचन 2024 में एक नए माननीय सदस्य श्री शिव प्रकाश रंजन जी CPIML दल से निर्वाचित हुए हैं, जो आपके बीच बैठे हैं। इनका शपथ ग्रहण दिनांक 26 जून 2024 को ही अध्यक्ष कक्ष में हो चुका है। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तक का संचालन नियमावली के नियम 66(1) परंतु के अधीन मुझे सदन को सूचित करना है कि सप्तदश बिहार विधानसभा के निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने उनके नाम के सामने अंकित तिथि से सदन से अपने स्थान का त्याग कर दिया। श्री सुदामा प्रसाद 196/14/6/24, श्री सुधाकर सिंह 203 रामगढ़ 14/6/24, श्री जीताराम मांझी 227 इमामगंज 14/6/24, श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव 232 बेलागंज 18/6/24। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तत्काल संचालन नियमावली के नियम 12(1) के अधीन निम्न सदस्यों को सप्तदश बिहार विधानसभा के द्वादश सत्र के लिए अध्यादेश सदस्य मनोनीत करता हूँ। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह सविष, श्री दामोदर रावत सविष, श्री विजय शंकर दुबे सविष, श्री भूदेव चौधरी सविष, श्रीमती ज्योति देवी सविष। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तक का संचालन नियमावली के नियम 219(1) के अधीन मैं सप्तदश बिहार विधानसभा के द्वादश सत्र के लिए कार्यमंत्रणा समिति के गठन निम्न प्रकार करता हूँ। अध्यक्ष बिहार विधानसभा सभापति श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सदस्य, श्री सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री सदस्य, श्री विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री सदस्य, श्री विजय कुमार चौधरी मंत्री संसदीय कार्य सदस्य, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव मंत्री ऊर्जा सदस्य, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव नेता विरोधी दल सदस्य, श्री शकील अहमद खान सविषा सदस्य विशेष सहमति सदस्य, श्री नरेंद्र नारायण यादव उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा, श्री आलोक कुमार मेहता सविषा, श्री महबूब आलम सविषा, श्री रामरतन सिंह सविषा, श्री अजय कुमार सविषा, श्रीमती ज्योति देवी सविषा। नियमानुसार अध्यक्ष समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे। सभा सचिव महोदय, सप्तदश बिहार विधानसभा के एकादश सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित निम्न 12 विधेयकों का विवरण सदन पटल पर रखती हूँ, जिस पर महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अनुमति प्रदान की गई है। क्रमांक 1, बिहार विनियोग विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 4/3/2024। क्रमांक 2, बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 4/3/2024। क्रमांक 3, बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 14/3/2024। क्रमांक 4, बिहार अपराध नियंत्रक विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 14/3/2024। क्रमांक 5, बिहार लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 14/3/2024। क्रमांक 6, बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 14/3/2024। क्रमांक 7, बिहार मूल्य वर्धित कर संशोधन विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 14/3/2024। क्रमांक 8, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग संशोधन विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 14/3/2024। क्रमांक 9, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 14/3/2024। क्रमांक 10, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 14/3/2024। क्रमांक 11, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 14/3/2024। क्रमांक 12, बिहार राज्य महिला आयोग संशोधन विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 14/3/2024। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण में बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2024 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावा
वर्ष 2024-25 में जो खर्च होने की संभावना है उसके संबंध में मैं प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी उपस्थित करता हूँ।